हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार टेक में। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रेनो ट्राइबर के बारे में। दोस्तों रेनो ट्राइबर एक 7 सीटर कार होने वाली है। ये एक ना एसयूवी है और ना ही एमपीवी है। ये एक नई सेगमेंट स्टार्ट करने वाली है रेनॉल्ट। अगर हम रेनॉल्ट की इंडिया की हिस्ट्री में जाएं तो रेनॉल्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि एक नया सेगमेंट स्टार्ट करती है हमेशा। अब इन्होंने डस्टर जब लॉन्च की थी तब डस्टर एक नया सेगमेंट था इंडिया में एसयूवीज का। उससे पहले एसयूवीज इंडिया में ज़्यादा नहीं चलती थी। उसके बाद ही टेरेनो आई, क्रेटा आई, ब्रेजा आई और अब इसके और भी कंपटीशन मार्केट में चल रहे हैं। तब रेनो एक 7 सीटर ट्राइबर लॉन्च करने वाली है। अब हर कोई चाहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ फन करे, घूमने जाए, बट 7 सीटर गाड़ी हो जिसमें कंफर्टेबली आप बैठ सकें। बट अगर 7 सीटर गाड़ी अर्टिगा की बात करें, बलेरो की बात करें, वो प्राइस में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और उनका साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो रेनो ट्राइबर एक छोटी गाड़ी होने वाली है और इसका प्राइस पॉइंट भी कम होने वाला है। वो इस वजह से क्योंकि ये एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी होगी। रेनो ट्राइबर रेनो क्विड के ऊपर बेस्ड है। जैसे क्विड के भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसी के कारण उसका प्राइस भी कम है। इसीलिए रेनो क्विड को ही बड़ा किया जाएगा, उसे 7 सीटर बनाया जाएगा और इसका प्राइस पॉइंट भी बहुत कम होगा, यही कोई 5.5 से लेकर 7 लाख रुपये तक। और इसका प्राइस जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से ही अर्टिगा, बलेरो, इसके और जो 7 सीटर गाड़ियाँ हैं उनका प्राइस शुरू होगा। अब कुछ लोगों ने रेनो ट्राइबर के नाम से रेनो सैनिक जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है उसकी वीडियोस डाली हुई हैं। वो गाड़ी भी 7 सीटर है बट वो बेस्ड है रेनो कैप्चर के ऊपर, बट साइज़ में काफ़ी छोटी है, बट वो गाड़ी इंडिया में लॉन्च नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन है इस गाड़ी से, भी क्या क्या इसमें हमें मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर हम इस गाड़ी की एक्सपेक्टेशन में को लेकर चलें तो इसमें अगर इंजन की बात करें तो इंजन इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है। अगर इसके हम फीचर्स की बात करें तो बेसिक फीचर आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाएंगे। अगर टायर्स की बात करें तो आपको सिंपल व्हील्स मिलेंगे इसमें, अलॉय व्हील्स आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं या फिर टॉप मॉडल में मिल जाएंगे। अगर हम इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में भी आपको बेसिक फीचर्स सभी मिल जाएंगे, जैसे टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स, पार्किंग सेंसर्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, तो ऐसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों मेन बात आती है कि प्राइस पॉइंट की, इसका प्राइस क्या होने वाला है। प्राइस इसका जो रूमर्स बोल रहे हैं तो 5.5 से लेकर 7 लाख रुपए तक प्राइस इसका होने वाला है। अगर इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है तो एक नई सेगमेंट इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कैब वालों को। जो बेस वेरिएंट है वो तो कैब वाले यूज़ करेंगे और जो लोग अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं टॉप मॉडल्स वो यूज़ करेंगे ही। तो दोस्तों ये सब था अबाउट रेनो क्विड। आई होप कि ये 2-3 महीनों में इंडिया में लॉन्च भी हो जाएगी, तब हम इसकी वीडियो ज़रूर डालेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो उसका प्लीज़ हमें रीज़न भी बता दीजिए कि किस लिए आप डिसलाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।